थोड़ा सा भी कोई अगर कुछ बोलता था तो उसको डायरेक्ट टिकट दबाने का आदेश करता था। सभी के पास दो दो को हथियार है, सभी के पास दो दो को हथियार है, छः से सात लोग। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के पूर्णिया से। आपको बता दें कि अपराधियों ने दिन दहाड़े तनिष्क शोरूम को लूटकर चलते बने। जी हां, आपने सही सुना, तनिष्क शोरूम लाइन बाजार भीड़ भाड़ वाले इलाके से 6-7 की संख्या में अपराधी आए और शोरूम कर लूटकर चलते बने। बहरहाल आपको बता दें कि पूर्णिया से ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तनिष्क ज्वेलरी शोरूम से करोड़ों रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने के बाद सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अपराधी खरीदारी करने के नियत से पहले अंदर घुसे, एक एक कर 5 से 6 की संख्या में अपराधी अंदर घुसे। धीरे धीरे सभी एकजुट होकर शुरू में काम कर रहे सभी कर्मी को बंधक बना लिया। बता दें कि करोड़ों के डायमंड नेकलेस लूट कर फरार भी हो गए। अभी तो जानकारी मिली है कि यहाँ पर तनिष्क ज्वेलर्स का है, जिसमें दुकान खुला है और अपराधकर्मी घुस के उसमें लूटपाट करके भागे हैं। चेकिंग लगाया जा रहा है और उन्हें अटक किया जा रहा है। कितने की संख्या में आए हुए थे? अभी कितना लूट के लिए 5-6 आदमी के बारे में बोलता है। कुछ दो रोड पर थे, 3-4 अंदर घुसे थे और कहा, अभी तो कुछ बताया नहीं कि कितना ले गया है, लेकिन झोला में राइडर बाइक से गया है। अभी हम लोग उसको चेकिंग पॉइंट लगा के अभी चेक कर रहे हैं। अंदर गिरा दिया सामने देखिए, उसके बाद हम लोग गन पॉइंट पे लेकर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लेके गया। क्या सबको रूम में बंद कर दिया सब लोग? रूम नहीं, हम लोग फ्लोर पे ही थे, रूम में बंद नहीं किया गया और सारे का मोबाइल जमा कर लिया गया था। और थोड़ा सा भी कोई अगर कुछ बोलता था तो उसको डायरेक्ट टिकट दबाने का आदेश करता था गन पॉइंट पर। और सभी के पास दो दो को हथियार है, 6 से 7 लोग टोटल जो है चले गए। डायमंड आइडिया नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो हम लोग बाहर निकले वो लोग नहीं निकला, तो हम लोग उसका पीछा भी किए। ठीक है, तो कहीं वो दिखे नहीं। बताया जा रहा है कि 6 की संख्या में अपराधी आए थे। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पूर्णिया पुलिस अधीक्षक, SDPO और कई थाने के पुलिस मौके पर पहुंचकर खोजबीन और जांच में जुट चुकी है। आपको बता दें कि शहर के लाइन बाजार काफी भीड़ भरा इलाका है और इसके बावजूद बेखौफ अपराधी आते हैं, फिल्मी स्टाइल में शोरूम में प्रवेश करते हैं ग्राहक बनकर और तमाम कर्मी को बंधक बनाकर करोड़ों की लूट को अंजाम दे जाते हैं। निश्चित रूप से यह दहलाने वाली खबर है और परेशान करने वाली भी कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर का पूर्णिया में क्या हाल है। आपको बता दें, आए दिन इस तरह की डकैती, चोरी, हत्या, मारपीट की घटनाएं घट रही है और ऐसे में सवाल उठता है कि सुशासन बाबू का राज आखिर क्यों एक बार फिर से फेल होता नजर आ रहा है। आखिर पूर्णिया प्रशासन आखिर क्यों अपराधियों के मन में अपनी खौफ नहीं बैठा पा रही है? क्या वजह है कि पूर्णिया प्रशासन के तमाम कोशिशों के बावजूद अपराधी मालामाल है? बहरहाल गिरफ्तारी और पकड़ तो होगी, लेकिन सवाल ज्वलंत है कि आखिर अपराधियों के मन में लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस प्रशासन का क्यों नहीं खौफ है? और यह सवाल निरंतर बनी रहेगी जब तक इस तरह की घटना अंजाम को पाएगी। पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।